ये संख्या जो दी गई है 15, 15 दो से कटेंगे नहीं, जो संख्या नहीं कटेगी लाशा में उसको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। और ये 10 कट मतलब 20 कटेंगे, 10 बार में काट लिया, फिर ये जो 48 बच्चे दो का पाड़ा दो बार पड़ेंगे, चार चले गए बच्चे, 8 बार, फिर इसे दो से काटेंगे, 15 नहीं कटेंगे, जो संख्या ना कटे उसे वैसे उतार देंगे, 10 कट जाएंगे 5 बार में। और ये दो से जब इसे हमने काटा है 24 को तो उठाएंगे यहाँ पर 12, फिर इसे भी काट देंगे दो से, 15 है, 15 ऐसे निकलेंगे, 5 भी नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो यहाँ पर 5 सुन लेंगे, 12 है 6 से कट जाएंगे, मतलब दुसंग 12, ठीक है। अगला जो है दो से फिर इसे काट दो, 15 है, 15 ऐसे लिखो, 5 कटेंगे नहीं, 5 ऐसे लिख देना है, 6 कट जाएंगे, दो का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे तो छंग छे, 3 बार में 6 चलेगा। अब ये दो से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा तो 3 काट दो, 3 5 15, ठीक। और 5 नहीं कटेंगे तो 5 को ऐसे लिख देंगे, 3 और 3 = 3। अब इसे यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 = 5, 5 = 5, अभी तो वो इतना ध्यान रखना है जब तक काटते चले जाएंगे जब तक ना जाए संख्या नीचे एक एक ना आ जाए। अब इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये गुणे में लिख लेना, जैसे इधर लिखे हुए दो आए हैं आपसे, चार बार गुणे में दो लिख लेना है, फिर इधर 3 आए हैं और 5 आए हैं, 3 × 5, सबकी जब हम गुणा करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 240। तो इस वाले सवाल का जो मासा है, जो लाशा है, इस वाले सवाल का वो 240 निकल गया।